लगता है वो होता है बर्मीज पाइथन भाई, ये एक इंसान को निगल सकते हैं, ये इतने ज्यादा अपने मुंह को वाइड ओपन कर सकते हैं और वो इंसानों को खाते हैं क्योंकि उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, 15 फीट 16 फीट तक के बड़े पाइथन होते हैं। तो भाई स्नेक्स क्या होते हैं? स्नेक्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब ये क्या होते हैं, अपने बॉडी के जो ब्लड टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये उसको मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेन करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, धूप में आके इन्हें सन बास्क करना पड़ता है। सन बास्क होता गया है, देखो अब एक सांप है वो भाई रात भर ठंडे जगह में अपने आप को संभाल के रखा, दुश्मनों से, वाइल्ड इससे बड़े जानवरों से अपने आप को बचा के रखा। अब दिन में उसको अपने टेम्परेचर को वापस रेगुलेट करना है, तो ये क्या करेंगे, धूप में जाएंगे। धूप में जाने के बाद ही अपने टेम्परेचर को बढ़ाते हैं धूप सेक के। अब उससे क्या होता है, इनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हल्का सा एलिवेट होता है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये एलिवेट होता है। अजगर, इंडिया में जो अजगर पाए जाते हैं भाई उतने बड़े नहीं होते, इंसानों को नहीं खा पाएंगे, मतलब इनका जो साइज मिलता है वो उतना बड़ा नहीं होता कि इंसानों को खा सके। बट इंडोनेशिया, मलेशिया, इस जगह पे जो पाइथन मिलता है वो होता है बर्मीज पाइथन भाई, एक इंसान को निगल सकते हैं, ये इतने ज्यादा अपने मुंह को वाइड ओपन कर सकते हैं। तो भाई अब आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि अजगर ने भाई इंसानों को खा दिया, अजगर ने इंसानों को खा दिया। भाई अजगर इंसान नहीं खाते, इंडिया में जो अजगर मिलते हैं वो तो इंसान नहीं खाते, मतलब इनका जो साइज होता है ज्यादा से ज्यादा भाई 12 फीट 10 फीट का अजगर इंसान नहीं खा सकता, ठीक है, क्योंकि उसका जो सर का जो मतलब विड्थ होता है, मतलब जो डायमीटर होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता कि भाई वो हमारे कंधे को अंदर ले पाए। तो याद रखना, अजगर कभी भी इंसान को मुंडी की तरफ से नहीं खा पाएगा, पैर की तरफ से खा सकता है, बट सर की तरफ से अजगर इंसानों को नहीं खा सकता, क्योंकि जो ये शोल्डर है वो इस जगह पे आने के बाद अपने माउथ को ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको नीचे लोअर जॉ को फंसाने के लिए एक जगह चाहिए रहता है और अपर जॉ को फंसाने के लिए दूसरा जगह। तो यहाँ पे आने के बाद उनका जॉ जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो जो वीडियोस आप देखते हैं उसमें क्या होता है, बर्मीज पाइथन होता है। अब बर्मीज पाइथन क्या होते हैं, पाइथन के प्रजाति के ही होते हैं, बट इंडिया में नहीं पाए जाते, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जगह में पाए जाते हैं और वो इंसानों को खाते हैं क्योंकि उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, 15 फीट 16 फीट तक के बड़े पाइथन होते हैं। अब लोग पाइथन को देख के सबसे पहला नाम आता है दिमाग में, एनाकोंडा। तो भाई एनाकोंडा पहली बात पाइथन नहीं है, प्रजाति अलग है। एनाकोंडा इंडिया में नहीं मिलता, इंडिया में मिलता भाई अजगर, वो भी इंडियन रॉक पाइथन। बहुत सारे रेस्क्यूअर्स, बहुत सारे पेट लवर्स पाइथन को पालते भी हैं, जो कि होते हैं एल्बिनो पाइथन्स होते हैं, उसके बाद बॉल पाइथन्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। इनको बचपन से टेम किया जाता है कि भाई इंसानों के साथ रहना है, इंसानों के हाथ का खाना खाना है। तो ये जो पाइथन है भाई ये वाइल्ड में पकड़ा गया है, वाइल्ड पाइथन है। इसका अगर मैं मुंह छोड़ूंगा तो भाई ये मेरे को बाइट करेगा, बाइट करने की वजह से भाई जो इंजरी होगी वो बहुत खतरनाक होगी। सुपरफिशियल स्किन में जितने भी यानी अपने कंटेंट्स हैं, आर्टरीज, वेन और थोड़ा डीप जाएंगे तो नर्व, ये वहां तक बाइट करके काट सकता है, क्योंकि इसके जो दांत का जो डेप्थ होता है वो बहुत अंदर जाता है और अंदर जाने के साथ ही वो अपने आप को खींचता है तो वो रिट्रैक्ट करके वहां के सारे कंटेंट को अपने ओर खींच लेगा। तो भाई ये बहुत साइंटिफिक चीज हो गई, ये बहुत डीप नॉलेज हो गया। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए भाई, जो कि आई होप बाकी रेस्क्यूज से अलग है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दिख रहा होगा बेल आइकन को प्रेस करो, और ऐसे सांपों को भाई मारो मत, इनको जीने दो, एनवायरमेंट में जीने का भाई पूरा हक है। तो ये एक ऐसा सांप है जो अपने माउथ को डिसलोकेट करके, मतलब इसका जो जॉ का जो जॉइंट होता है, मतलब इनका जो जॉ जॉइंट होता है ये आपस में जुड़े नहीं होते, इस वजह से ये जॉ को बहुत, मतलब ये जो दिख रहा है उससे फोर्थ टाइम ज्यादा ओपन करके अपने से 4 गुना बड़े जानवर को निगल सकते हैं। तो भाई आप सभी कभी ना कभी तो अजगर को देखे होंगे, भाई एक जगह पे बैठा हुआ है बहुत बड़ा सा अजगर, तो भाई उसके पीछे का रीजन क्या होता है, तो देखो होता ये है, ये क्या करते हैं बहुत बड़े जानवर पे फीड कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या होता है बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, स्लो होने की वजह से ये क्या करते हैं एक सेफ जगह ढूंढते हैं, वहां बैठते हैं और उस खाने को पचाने में इनको भाई नहीं नहीं में 20 दिन 25 दिन लग जाता है। तो इनका जो एक मील है वो अप्रोक्स 1 महीने तक खिंचा जाता है, अगर वो मील बड़ा हुआ तो। तो ये एक ऐसा नॉलेज है जिससे आप जानवरों से बच सकते हैं। अब वो कैसे, अगर आपके सामने एक अजगर आराम से बैठा हुआ है तो भाई ये याद रखिए वो फीड कर चुका है, आपको अटैक नहीं करेगा जब तक आप छेड़ो ना। बट अगर एक अजगर शिकार के लिए कुंडली मार के बैठा है और अगर आप उसके आगे जाएंगे तो भाई वो बेवजह भी अटैक करेगा। दैट्स वाई कोई भी सांप हो, जब तक आप पहचान नहीं रहे उसके पास मत जाओ। एक फोटो शेयर कर दूंगा, उसमें एक बंदे ने क्या किया था भाई, अजगर समझ के रसल वाइपर को पकड़ा था और उस भाई को बाइट हो गया था, क्योंकि बचपन में जब ये छोटे होते हैं पैटर्न्स नहीं समझ में आते, एक नॉर्मल जो लेमैन होता है उसको नहीं समझ में आएगा भाई कि अजगर है, सैंड बोआ है या फिर रसल वाइपर है।
तो भाई ने भी बस थोड़ा सा डेयर दिखाकर रसल वाइपर को अजगर समझ के पकड़ लिया। उसको ये पता था अजगर जहरीला नहीं होता है, उसको ये नहीं पता था कि भाई जिसको वो पकड़ रहा है वो रसल वाइपर है। तो बस उसने उसको काट लिया। काटने के बाद भाई का हाथ एकदम स्वेल हो गया क्योंकि जहर हीमोटॉक्सिक है। और उसका जो ट्रीटमेंट था उसके दौरान ये भी बात आ गई थी कि भाई हाथ काटना पड़ सकता है। तो भाई प्लीज़ सांपों का हैंडल मत करिए, बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। ये देखिए अभी कुंडली मार के मेरे हाथ में रखा है, मेरे जो उंगलियां वो रेड हो गए हैं। ठीक है, तो ये मजाक की चीज़ नहीं होती। थोड़ी देर और अगर मैं इसको नहीं छुड़ाऊंगा तो जो मेरे हाथ है उसमें झुनझुनी आ जाएगा। झुनझुनी आने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। झुनझुनी मतलब जो यूजुअली होता है हम बहुत देर तक बैठ जाएं तो पैर में जो कंपन जैसे आ जाता है वो चीज़। तो ये एक नॉर्मल वीडियो था इस अजगर के बारे में। तो अगर आपको पसंद आए तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।